Hello students, so today we are going to learn new chapter of your English grammar textbook. Name of the chapter is The Present Tense. आज हम लोग आपकी English grammar textbook का नया chapter पढ़ेंगे और chapter का नाम क्या है? Present Tense, The Present Tense. In this lesson we are going to read about simple present tense and present continuous tense. मतलब present tense में दो चीज़ें होती है, पहला है simple present tense और दूसरा है present continuous tense. तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, simple present tense पढ़ लेते हैं. When we talk about the actions that take place in the present, we use simple present tense. मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा है उसकी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. तो ये हमें कौन से वर्ड्स बताते हैं, द वर्ड्स डू, टेक, कुक, गो, कम, रेन, ईट, प्ले, कॉल, बाय, ट्राई, फ्लाई, ड्रिंक, हेल्प, राइट, टीच, सिंग एंड डांस आर वर्ब्स. ये सब क्या है, वर्ब्स हैं. वर्ब्स हैं क्योंकि ये सब क्रिया है, कुछ ना कुछ करने की चीज़ों का ही नाम है, इसलिए ये वर्ब्स हैं. तो ऑल दीज वर्ब्स आर इन देयर रूट और बेस फॉर्म. मतलब ये बेस फॉर्म है उनका, मतलब वी वन कह सकते हैं हम इनको, जिसमें कि प्रेजेंट है, पास्ट है, हम कुछ बता नहीं सकते, बस नॉर्मली वर्ब का एक वर्ड है. सच वर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब्स यूज होते हैं. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली. अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, देखते हैं. राधा गोज फॉर अ वॉक डेली. नेक्स्ट है द टीचर teaches in the class. The sun rises in the east. Mohan likes to study. These sentences tell us about the actions that happen regularly, state daily habits or universal truths. अब ये जो sentences हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये चीज़ें daily होती है, okay? और ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. जैसे कि इसमें से यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा, टीचर पढ़ाती है क्लास में, सन राइज होता है ईस्ट से, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाते हैं. तो जो चीज़ें फैक्ट हैं वो, और जो डेली होती हैं वो चीज़ें, वो चीज़ों के बारे में हमें ये सेंटेंस बता रहा है. तो इसमें हम क्या यूज़ किए हैं, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किए हैं. द वर्ब, जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं ऊपर के सेंटेंस में, सेंटेंसेस में, द वर्ब यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंसेस आर गो. गो के आगे क्या लगा है, ई एस, तो गोज. तो ई एस या एस ही लगा है और वर्ब के आगे, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह यूज़ हुआ सेंटेंस में वर्ड. टीच, टीचेस, टीच प्लस ई एस. राइज, राइजेस, राइज प्लस एस. लाइक, लाइक्स, तो एल, लाइक प्लस एस. तो ये समझ में आया बच्चों, ये हमारा वर्ब में ई एस और एस लगा है और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बना है. In each of the cases we have used root form of the verb. हमने सारे केस में क्या किए हैं, वर्ब का रूट फॉर्म लगा यूज़ किए हैं, जिसके आगे हमने एस या ई एस ऐड कर दिया है बस. आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब ये जो वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो वो वर्ब का रूट फॉर्म लेते हैं. मतलब जो हम पढ़े थे पिछले पेज में एग्जाम्पल्स, वो सब. फॉर एग्जाम्पल, मदर कुक्स द फूड. राम प्लेज फुटबॉल. शी ट्रीट्स द पेशेंट्स. द बस फॉलोज द रूट. तो यहाँ पे जो वर्ड्स बोल्ड हैं वो वर्ब हैं और वो इसके साथ वो हमें ये भी बता रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है.
Complete these sentences with the correct present tense form in the verb of the verb in brackets. अब जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं उनका यूज़ करके हमें ये प्रेजेंट टेंस बनाना है. द बोट डैश फेरी पीपल टू दैट आइलैंड, मतलब जो बोट है वो लोगों को आइलैंड तक पहुंचाती है. तो ये उसका डेली का काम है, तो ये डेली बेसिस वाला काम हो गया. तो यहाँ पे फेरी है तो क्या आ जाएगा, फेरीज, FARRIES. द बोट फेरीज पीपल टू दैट आइलैंड. नेक्स्ट है द ओल्ड साइंटिस्ट डैश मेक वंडरफुल टॉयज, जो पुराना साइंटिस्ट है, बूढ़ा साइंटिस्ट है, वो वंडरफुल टॉयज बनाता है. तो मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स, MAKES. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ओल्ड साइंटिस्ट मेक्स वंडरफुल टॉयज. नेक्स्ट है शी डैश टिडी अप द रूम एवरी डे, मतलब वो अपना रूम डेली साफ करती है. तो शी टिडीज अप द रूम एवरी डे. अगेन फेरी की तरह होगा, वाई की जगह IES लग जाएगा. तो शी टिडीज अप द रूम एवरी डे. द डॉग डैश ओबे हिज मास्टर्स ऑर्डर्स, मतलब डॉग जो होते हैं वो अपने मालिक के ऑर्डर्स मानते हैं. तो यहाँ हो जाएगा द डॉग ओबेज, OBEYS, द डॉग ओबेज हिज मास्टर्स ऑर्डर. तो इस तरह से आप लोगों को बाकी की क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंसेस दैट टेल्स अस अबाउट कंटिन्यूस एक्शन, वो सेंटेंसेस जो हमें कंटिन्यू हो रहे एक्शन के बारे में बताते हैं. एक्शन सेट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई चीज़ उस जगह पे हो रही है और हम उसी की बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस एक्शन होगा. आर सेड टू बी द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. वी यूज इज एम आर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस दिस टेंस. इन इस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यानी बताने के लिए हम इज एम आर लगाते हैं, उसके अलावा जो वर्ब रहता है उसके लास्ट में ING लगा देते हैं. तो इससे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. अ बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वो बॉय फुटबॉल खेल रहा है, मतलब उसका काम अभी चल रहा है, वो अभी कुछ कर ही रहा है और उसी के साथ हम बोल भी रहे हैं. तो इसलिए हो जाएगा अ बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब बॉय फुटबॉल खेल रहा है. नेक्स्ट है दे आर लिफ्टिंग अ हैवी बॉक्स, वो लोग एक भारी बॉक्स उठाए हैं, उठा रहे हैं. तो यहाँ पे भी वहाँ काम चल ही रहा है और उसके अलावा हमने हम उसी टाइम पे बोल भी रहे हैं, तो ये इसलिए आर लिफ्टिंग. तो इज़ एम आर प्लस वर्ब के आगे ING लग जाएगा. तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आगे देखते हैं. बोथ ऑफ दिस सेंटेंसेस डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो हम जो भी ये एक्शंस पढ़े तो ये कहने के साथ साथ ही हो भी रहा है, तो ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस है. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब इमीडिएट इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द करंट मोमेंट, मतलब कोई इवेंट करंट यानी तुरंत हो ही रहा है और हम उसी टाइम पे उसे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. इसके और एग्जांपल्स हैं. मिया इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, मिया अपने फ्रेंड से बात कर रही है. शी इज़ ईटिंग डिनर राइट नाउ एंड कैन नॉट आंसर द फ़ोन, मतलब वो अभी अपना डिनर कर रही है और फ़ोन नहीं
उठा सकती, तो इसमें भी वो अभी प्रेजेंट में कुछ कर ही रही है, इसलिए यहाँ पे इज, एम आर और आई एन जी लगा है। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी सिचुएशन नो मैटर हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज़। मतलब वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो कितना भी बड़ा या छोटा सिचुएशन है यानी काम हो रहा है उससे कुछ नो मैटर कि हाउ लॉन्ग और शॉर्ट इट इज़ हमें उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही लगेगा। ही इज़ स्टडिंग अ न्यू लैंग्वेज एट द मोमेंट। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द नेक्स्ट 2 days। तो ये करंट सिचुएशन की बात इन दोनों सेंटेंस में हो रही है कि मैं अगले 2 दिन तक घर से ही अपना वर्क करने वाला हूँ और इसके अलावा वो न्यू लैंग्वेज इस समय पढ़ रहा है। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड और प्लान। मतलब जो ऑलरेडी प्लान हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बात चल रही है, जो प्लान हो चुका है वो भी ऐड होता है। आई एम मीटिंग माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर स्कूल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लानिंग हो चुकी है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से स्कूल के बाद मिलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे एम प्लस वर्ब आईएनजी लगा है। माई वाइफ इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल टुमारो। अगेन यहाँ पे प्लान हो चुका है और डिस्कस हो रहा है, या डिस्कस और प्लान दोनों हो चुका है, बस बातें हो रही हैं, तो लिखेंगे कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल जाने वाली है कल। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस आगे के सेंटेंस। मतलब पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज, एम, आर आएगा, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आई एन जी ऐड होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें आई एन जी फॉर्म करना है, जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं उनके आगे आई एन जी लगाना है। द टीचर इज डैश द एसे। मतलब टीचर एसे और ब्रैकेट में क्या है, डिक्टेट है, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। तो द टीचर इज डिक्टेटिंग द एसे। डिक्टेटिंग की स्पेलिंग क्या होगी, ई की जगह आई एन जी आ जाएगा, तो डी आई सी टी ए टी आई एन जी डिक्टेटिंग। द बॉयज आर डैश टू स्कूल और ब्रैकेट में है गो, तो यहाँ क्या बनेगा, द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है रीराइट दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका मतलब ये कि हमें सिंपल प्रेजेंट दिया गया है, उसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो कैसे लिखेंगे, आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश, ये है सिंपल प्रेजेंट कि मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ। बट इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग देयर टू लर्न इंग्लिश, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट है शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, शी इज़ टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है। तो आप लोगों को डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नीचे हमें दिए गए हैं सेंटेंस जिसमें हमें क्या करना है, जो वर्ब है और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है उसे हमें सर्कल करना है। जय लाइक्स टू वियर अ हैट, ही इज़ वियरिंग अ रेड हैट टुडे। जय को हैट पहनना अच्छा लगता है और उसने आज रेड वाला हैट
पहना है यानी टोपी, तो ही इज़ वियरिंग। वियरिंग क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे हम वियरिंग को सर्कल करेंगे। इस तरह से जो भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं उसे हम अगले के सारे सेंटेंसेस में सर्कल करेंगे, जैसे कि द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, तो यहाँ आईएनजी वाला वर्ड है शाइनिंग, तो हम शाइनिंग को सर्कल करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को ही करना है, ईजी है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसमें हमें कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं और उसके आगे ब्रैकेट में ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके ब्रैकेट वाले वर्ड से और उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरे पैराग्राफ को बनाना है। जैसे हम करते हैं सॉल्व, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डैश अस फिट फिजिकली, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमें फिज़िकली फिट बनाती है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेक अस फिट फिजिकली, स्पोर्ट ऑल्सो डैश हेल्प्स अस टू बी डिसिप्लिन, स्पोर्ट भी हमें हेल्प करता है डिसिप्लिन में रहने में, तो हेल्प्स अस टू, यहाँ हेल्प्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप डैश फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो इसमें आएगा कम्स, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप कम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गेम्स एंड स्पोर्ट्स डैश टीम स्पिरिट इन चिल्ड्रन, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप टीम स्पिरिट इन चिल्ड्रन। उसके बाद है दे डैश चिल्ड्रन टू बिल्डिंग अप अ गुड कैरेक्टर, दे हेल्प चिल्ड्रन टू बिल्डिंग अप अ गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट है वी डैश रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बाई अवर क्लोज एसोसिएशन विथ स्पोर्ट्स, तो वी गेन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बाई अवर क्लोज एसोसिएशन विथ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है दे डैश अवर ब्लड सर्क्यूलेशन, तो दे इम्प्रूव अवर ब्लड सर्क्यूलेशन एंड डैश अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एंड इनहेंस अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ क्या बना हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना है। और ये चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।